एल्बम, इंग्लिश सिंगल ऑल ऑल नहीं और मर्च. व्हाट इज माय नेक्स्ट ड्रॉप? क्या अरमान मलिक और केपॉप ग्रुप एक्सो का फाइनली कोलैबोरेशन होने जा रहा है? जी हाँ, अरमान मलिक ने फाइनली अनाउंस कर दिया है उनका अपकमिंग केपॉप सरप्राइज, वो भी उनका फेवरेट केपॉप ग्रुप एक्सो के साथ. अरमान मलिक ने लास्ट दो केपॉप कोलैबोरेशंस किए थे, एक एको विद एरिक नाम एंड मेमो अगमो विद ब्राइबी, और साथ साथ उन्होंने कहा कि वो BTS और एक्सो के साथ वो कोलैबोरेशन करना चाहते हैं. उसके बाद उन्होंने एक और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एड शीरन के साथ 2 Step में किए थे. फिर रिसेंटली एड शीरन का एक और सॉन्ग द जोकर एंड द क्वीन का कवर भी किए थे. और फाइनली उन्होंने कुछ दिन लंदन में उनके अपकमिंग म्यूजिक वीडियो शूट किए हैं. फिर उन्होंने लंदन से वापस आके बताया कि बहुत सारे सॉन्ग्स उनके रेडी है आने के लिए. अरमान ने अपने अपकमिंग सरप्राइजेस के बारे में ट्वीट करते हुए ये लिखे, वर्किंग ऑन अ टीनी अकॉस्टिक कवर ऑफ सिंग फॉर यू बाय माय फेव्स एक्सो, आई थिंक इट्स द परफेक्ट वेदर इन इंडिया फॉर दस वाइब्स. जब किसी ने पूछा क्रैक के लेम जोक नाइट स्पिन एजेस सिंस यू हैव क्रैक्ड वन, उन्होंने कहा आई हैव क्रैक टू मेनी इन माई न्यू म्यूजिक वीडियो वेयर आई ओनली लाफ ऑफ डिड आई सेज टू मच. उसका मतलब उनके न्यू म्यूजिक वीडियो में कुछ नया होने वाला है. अरमान मलिक के ये केपॉप सॉन्ग के साथ साथ कुछ इंग्लिश एंड हिंदी म्यूजिक वीडियोस भी आने वाले हैं, और साथ साथ उनका एक एल्बम भी आने वाला है. उन्होंने रिसेंटली इसके बारे में हिंट दिए थे, और कल ही उन्होंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पर फिर से इसके बारे में एक पोल पोस्ट किए हैं और एक वॉइस नोट भी शेयर किए हैं इसके बारे में हिंट देते हुए. उन्होंने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए. व्हाट डू यू थिंक इज कमिंग नेक्स्ट? एल्बम, इंग्लिश सिंगल ऑल नहीं और मर्च. व्हाट इज माय नेक्स्ट ड्रॉप? सोचो. आपको बता दो, अरमान ने अपना इंस्टाग्राम चैनल का एक्सेस भी खो दिए थे, लेकिन फाइनली उनके पास एक्सेस आ गया. अरमान मलिक के एल्बम के साथ साथ दर्शन रावल का भी एक एल्बम आ रहा है, दर्द 2.0, जिसका एक सॉन्ग रिलीज हो चुका है और दूसरा ये सॉन्ग आने वाला है जो एक बरसात का सॉन्ग अगेन. और इस पर अरमान मलिक ने भी रिएक्ट किए है. किसी ने जब अरमान को पूछा कि दर्शन का ये एल्बम का सॉन्ग आपने सुना क्या, तो अरमान ने रिप्लाई किया लव इट. और साथ साथ अरमान ने उनके लंदन की ट्रिप और बहुत सारे चीजों के बारे में उन्होंने ट्वीट करके क्या शेयर किए आप खुद वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं उनके रिसेंट ट्वीट्स. ऐसे ही अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें अपडेटिफाई को और लाइक और शेयर करें इस वीडियो को.